बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक वन फॉर क्लास 9 एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड इट्स फिफ्थ लेसन हेलन केलर। हेलन केलर वॉज अ लेडी हु एट द एज ऑफ 2 बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज मिसफॉर्च्यून शी हैज अ नेम फेमस, शी इज़ फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। There are a lot of people who know about her. Why is she famous still? ये हम इनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया जो आज भी दुनिया इनको जानती है। How fortunate are those who are born into this world with 2 eyes to see all its beauty? But there are some unfortunate people who can neither see nor hear. This world, which is so full of beautiful colors and sweet sounds, appears colorless and dull to these poor souls. अच्छा जनाब, तो कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो इस दुनिया में 2 आँखों के साथ पैदा हुए, जिनकी मदद से वो इस दुनिया की तमाम तर खूबसूरती देख सकते हैं। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट पीपल ऐसे भी हैं जो ना ही देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, और ऐसे लोगों के लिए दुनिया बेरंग और डल है। लेकिन कुछ लोग वॉट अ मिसफॉर्च्यून, कितनी बदकिस्मती की बात है। दे कैन नॉट सी द लवली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन्स एंड हियर द बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, ना ही वो लहलाते फूल देख सकते हैं ना ही वो परिंदों के तराने सुन सकते हैं। They indeed feel very sad for their fate is so hard. Worse is the fate of those who can see and hear once and then no more. उन लोगों की ज़िंदगी कितनी बेरंग, और वो कितने दुखी होते हैं वो लोग जो इन नेमतों से महरूम होते हैं। और इनसे भी ज़्यादा बदकिस्मत वो लोग हैं जो बेचारे किसी टाइम पे देख और सुन सकते थे और उसके बाद वो इन एबिलिटीज़ को खो चुके। But they are so courageous and bold that they do not look unhappy. लेकिन उनमें बहुत से ऐसे बाहिम्मत होते हैं कि वो कभी उदास नहीं होते ना नज़र आते हैं। They accept the challenge of their fate and try to live cheerfully. वो अपने किस्मत के लिखे हुए को उस चैलेंज को कबूल करते हैं और खुश नज़र आते हैं। Among such brave and courageous persons, the name of Miss Helen Keller tops the list. और ऐसे बाहिम्मत लोगों में मिस हेलन केलर का नाम सरे फहरिस्त है। हेलन केलर वाज बॉर्न इन 1880 इन अ लिटिल टाउन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अप टू द एज ऑफ 2 शी वाज क्वाइट अ नॉर्मल चाइल्ड। हेलन केलर 1880 में यूनाइटेड स्टेट्स के एक छोटे से टाउन में पैदा हुई। 2 साल की उम्र तक वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्ची थी। शी कुड सी एंड हियर एवरीथिंग, वो सब कुछ देख और सुन सकती थी। इन फैब्री 1882 लिटिल हेलन फेल डेंजरसली इल। ऑल फेल सॉरी फॉर हर बिकॉज शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ। हर पेरेंट्स लुक्ड सैड, एवरीबडी वॉज अनहैप्पी एंड द लिटिल चाइल्ड फेल्ट मिजरेबल। अच्छा, अब जब ये बीमार हुई तो हर शख्स को इनके लिए बहुत दुखी था। रीज़न ये कि ये जो है उस अपनी शदीद इलनेस की वजह से देखने और सुनने की सलाहियत खो चुकी थी। उनके पेरेंट्स भी उनके लिए बहुत उदास थे। हर शख्स ही नाखुश था और बच्चा भी ऑब्वियसली बहुत मिजरेबल फील कर रहा था। व्हेन शी वाज 7 इयर्स ओल्ड हर लाइफ सडनली चेंज। हेलन्स फादर एज अ लेडी नेम मिस सुलिवन टू कम एंड लुक आफ्टर हिज ब्लाइंड चाइल्ड। 7 साल की उम्र में उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और उनके वालिद ने एक खातून मिस सुलेमन को उनकी लुक आफ्टर के लिए यानी उनको कुछ सिखाने के लिए रख लिया। मिस सुलेमन हैड हरसेल्फ बिकेम ब्लाइंड व्हेन शी वाज अ चाइल्ड बट आफ्टरवर्ड्स शी गॉट हर आईसाइट बैक। शी थैंक गॉड फॉर हिज काइंडनेस टू हर बाय हेल्पिंग अदर ब्लाइंड पीपल एंड मेकिंग देम हैप्पी एंड कंटेंट। अच्छा, अब जो ये मिस सुलेमन थी, ये भी बचपन में किसी वजह से देखने की सलाहियत जो है वो खो चुकी थी, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गई थी। उनकी आईसाइट अल्लाह के करम से उन्हें मिल गई थी। तो चूँकि उन्होंने
वो तकलीफ़ जो दुख था ब्लाइंडनेस का, वो पर्सनली उन्होंने ख़ुद से एक्सपीरियंस किया था। मींस ऑब्जर्वेशन नहीं थी, वो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब आप इन नेमतों से महरूम हो जाते हैं तो आप पे क्या गुजरती है और आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, किस तरह की तारीख हो जाती है। चूँकि वो दुख उन्होंने ख़ुद झेला हुआ था और अल्लाह के करम से उन्हें, अगर वो अल्लाह ने उन्हें दोबारा से आई सेट उनकी रिटर्न कर दी थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के लिए इस तरह से उन्होंने शुक्रगुजार होने, मतलब अपनी शुक्रगुजारी का इजहार किया कि उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐसे लोगों के लिए वक्फ़ कर दी जो इन नेमतों से महरूम हो चुके थे। शी स्टार्टेड टीचिंग हेलन। वन डे शी टुक हेलन टू द रिवर बैंक एंड पुट हर हैंड इन द वाटर। उन्होंने हेलन को ट्रेन करना, पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन वो हेलन को रिवर बैंक लेके गईं। स्लोली शी मेड हर राइट द वर्ड WATER ऑन द सैंड। उन्होंने हेलन का हाथ पानी में डिप किया, यानी अच्छा, ये जो लोग किसी एक सेंस से जो है वो महरूम हो जाते हैं तो अल्लाह पाक जो है उनकी जो बाकी सेंसेस हैं उनको मज़ीद इन्हेंस कर देते हैं। तो अब ये तो एक के बजाय दो सेंसेस से जो महरूम हो गई थी, तो उनकी बाकी जो सेंसेस हैं अल्लाह पाक ने वो बहुत इन्हेंस कर दी थी, और इसके अलावा जो ज़हानत है वो भी अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत दी हुई थी। तो अब जो टीचर हैं उनकी, मिस सुलेमन, उन्होंने कौन सा तरीक़ा चूज़ किया उन्होंने जो उन्हें सिखाने के लिए, क्योंकि वो तो अब जब आप एक नॉर्मल चाइल्ड सीख रहे होते हैं बच्चे, तो आप जो है ज़रा आपने जब सीखा अपने स्कूल में तो आपने देख के, आपकी टीचर आपको बोर्ड पर लिख के दिखाती थी, आपको बोल के सुनाती थी, तो नॉर्मली ये तरीक़ा होता है ना देख के और सुन के। अब वो दोनों ही चीज़ों से महरूम थी, तो मिस सुलेमन ने उनकी जो थर्ड जो सेंस थी, सेंस ऑफ टच या फील, उसको उन्होंने यूटिलाइज़ किया उनको सिखाने के लिए। उनका हाथ उन्होंने पानी में डिप किया और उनसे फिर मट्टी पे, सैंड पे WATER लिखवाया। अच्छा जनाब, आगे क्या है। शी मेड हर डू इट सेवरल टाइम्स एंड दस हेलन लर्न हाउ टू स्पेल द वर्ड वाटर। शी फेल्ट वेरी एक्साइटेड बिकॉज शी न्यू दैट एट लास्ट देयर वुड बी सम लाइट इन द डार्क वर्ल्ड, इन हर डार्क वर्ल्ड। अच्छा जनाब, तो इस तरह की एक्सरसाइज बार 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 रिपीट जब हुई तो हेलन को फाइनली ये वर्ड लिखना आ गया, और हेलन इस चीज़ को लेके बहुत खुश थी क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि फाइनली उनकी ज़िंदगी में कोई रोशनी, कोई उम्मीद नज़र आई। द वर्क वॉज वेरी स्लो एंड डिफ़िकल्ट। अब जो ये काम है वो बहुत स्लो और मुश्किल था, बट मिस सुलेमन वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट। Little by little, she taught Helen about mountains and rivers and about history and geography. Little by little, ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन मिस सुलेमन जो हैं वो बहुत काइंड हार्टेड और बहुत मुतहम्मल खातून थीं, तो वो जो है उन्हें सिखाती रहीं। उन्होंने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता माउंटेन्स और रिवर्स के बारे में सिखाया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी उन्हें सिखाई। शी इवन टॉट हर हाउ टू काउंट एंड डू सम्स। इवन कि उन्होंने मैथमेटिक में काउंटिंग और सम्स करना, जो मैथ के फोर ऑपरेशंस होते हैं, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें भी उन्हें सिखा दी, यानी जो बेसिक्स थी वो सारी उनको सिखा दी गई। When she was 8, she was sent to a school for blind children. She had forgotten how to speak, but her teacher helped her. अब जब वो 8 साल की थी तो उन्हें एक ब्लाइंड बच्चों के स्कूल भेजा गया, और अब तक वो बोलना भूल चुकी थी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे डैफ होते हैं वो डम भी होते हैं। उसका रीज़न ये कि, यानी अगर उनकी जो है बोलने की सलाहियत उनके पास होती है, उनकी टंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बोल सकते हैं, लेकिन वो बोलते क्यों नहीं, क्योंकि वो सुन नहीं सकते। तो जो बच्चे नेचुरली सुनने की सलाहियत नहीं रखते, वो अगर उनकी यानी ज़बान में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी वो नहीं बोल पाते। उनको बहुत मेहनत करके उनको सिखाया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है वो उनमें मौजूद है, लेकिन वो क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि वो सुन नहीं सकते। जब उन्होंने सुना ही नहीं है तो वो इसलिए वो बोल भी नहीं सकते, और नॉर्मली वो आप देखें इस तरह के, मतलब टोटली मतलब इस तरह के वर्ड साउंड्स क्रिएट करते हैं जो कोई माने नहीं रखती। एनीवे, तो ये बच्ची, चूँकि हमने बार बार हमने पढ़ा कि ब्लाइंड और डेफ हो गई थी, तो ये नेचुरली डम भी हो गई थी, इसलिए ये बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसने सुना ही नहीं था। शी वुड पुट
But her teacher held her. She would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movements of the lips at the time of speaking. अब उन जो टीचर थीं उन्होंने क्या किया, उनको सिखाने के लिए जब वो बोलती थीं तो हेलन का हाथ अपने लिप्स पे रख के उनको वो मूवमेंट्स फील करवाती थीं। यानी यहाँ पे भी इन टीचर ने भी कौन सा तरीका चूज़ किया, उनका जो फील था टच करने की जो उनकी सेंस थी उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया। हेलन डिड मैनी एक्सरसाइजेज लाइक दिस एंड एट लास्ट एट द एज ऑफ 10 शी वॉज एबल टू स्पीक अगेन। व्हाट अ जॉय, शी एक्सक्लेम्ड। हेलन ने इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेस की और तकरीबन 2 साल की मेहनत के बाद 10 साल की उम्र में हेलन ने फाइनली बोलना सीख लिया और वो खुशी से चिल्लाई, क्या खुशी का मकाम है। बाय एंड बाय शी लर्न टू रीड बुक्स। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने किताबें भी पढ़ना सीख लिया। दीज बुक्स वर प्रिंटेड विद रेज्ड पॉइंट इंस्टेड ऑफ लेटर्स एंड शी रेड दैम बाय टचिंग विद हर फिंगर्स। In this way, she was able to learn as much as other people could. ऐसा ऐसा उन्होंने किताबें भी पढ़ना शुरू कर दी। और ये जो किताबें हैं ये ब्लाइंड पीपल के लिए ख़ास किताबें होती हैं, ब्रेल कहलाता है सिस्टम। इसमें जो जो भी तहरीर होती है ये मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि थोड़ा सा रेज होते हैं, थोड़े से उभरे हुए पॉइंट्स की सूरत में जो अल्फाज लिखे हुए होते हैं, इन्हें पॉइंट्स जमा करके लेटर्स बना के उनको लिखा जाता है। तो अब जब ये बच्चे जो भी ब्लाइंड होते हैं आज भी इनको जो पढ़ने का रीडिंग का तरीका है वो यही है, इनकी बुक्स अलग होती हैं, मतलब ब्रेल वाली बुक्स होती हैं और वो अपने टच को फील को यूटिलाइज़ करके उसको पढ़ते हैं। और जब उन्होंने पढ़ना सीख लिया जो कि जैसे कि मिस सुलेवन उन्हें सिखा चुकी थी, तो वो उतना ही सब कुछ यानी दूसरे बच्चों के बराबर वो सीखने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद पैदा हो गई। शी पास ऑल एग्जामिनेशंस ईजीली और उन्होंने अपने तमाम इम्तहानात बहुत आसानी के साथ पास कर लिए। She went to college and then to Harvard University. वो कॉलेज गई और अमेरिका की एक बहुत मशहूर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे इतना ईजिली एडमिशन भी नहीं मिलता, वहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। She studied at the university and graduated without difficulty. उन्होंने यूनिवर्सिटी से बाकायदा तालीम हासिल की और बग़ैर किसी दुश्वारी के अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया। She proved to be a better student than many others. Her teachers loved and admired her. और वो उन्होंने अपने आप को बहुत सारे नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा अपने आप को एबल प्रूव किया और अच्छी स्टूडेंट रहीं और तमाम टीचर्स उन्हें उनके बहुत पसंद करते थे। In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. She was 76 but still very active. Pakistani people gave her a warm welcome. 1956 में पाकिस्तान बनने के बाद इन खातून ने पाकिस्तान विज़िट किया, जिस उस वक्त इनकी उम्र 76 ईयर्स थी, लेकिन उस वक्त भी ये बहुत एक्टिव थी और पाकिस्तान के लोगों ने बहुत खुशदिली से इनको वेलकम किया। शी केम टू अवर कंट्री टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डेफ। शी एड्रेस्ड मैनी गैदरिंग्स इन कराची एंड विजिटेड द स्कूल फॉर द ब्लाइंड डेफ एंड डम। उन्होंने बहुत सारी गैदरिंग्स जो डेफ पीपल की या ब्लाइंड पीपल की थी उनसे एड्रेस किया और कराची में एक स्कूल है ब्लाइंड एंड डेफ एंड डम का, वहाँ का भी इन्होंने विज़िट किया। व्हाट अ नाइस स्कूल, उस स्कूल में विज़िट के दौरान उन्होंने कहा, व्हाट अ नाइस स्कूल, शी एक्सक्लेम्ड, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू बी विद यू माई डियर सन्स एंड डॉटर्स। कितना ये खुशी का मौका है मेरे लिए कि मैं आप प्यारे बेटों और बेटियों के पास इस वक्त मौजूद हूँ। Always be happy and cheerful. हमेशा खुश रहिए। Never curse your fate. कभी अपने आप को बदकिस्मत ना समझे, अपनी किस्मत को कभी ना कोसिए। You can do everything in this world. इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप ना कर सकें। She said to the students of the school and admired heartily all the ladies who were working and teaching there voluntarily. With so much zeal and selfless affection,
उन्होंने ना सिर्फ बच्चों से बहुत मोहब्बत और ख़ुशी का इजहार किया, तारीफ़ की, बल्कि वहाँ पे तमाम काम करने वाली टीचर्स यानी ख़वातीन को भी उन्होंने बहुत सराहा, जो कि वहाँ पे रज़ाकाराना तौर पे काम कर रही थी सेल्फलेस अफेक्शन और जोशो जज्बे के साथ। अच्छा जनाब, तो आई एम श्योर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। हेलन केलर, आप इनकी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा। शी डिलीवर्ड मैनी स्पीचेस, उन्होंने काफ़ी सारी स्पीचेस दी और आप उनका शायद वो हमारे बोलने से आपको उनका बोलना थोड़ा सा मुख्तलिफ महसूस होगा, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी बात थी जो कुछ उन्होंने किया। इतनी सारी एबिलिटीज़ को खोने के बाद उन्होंने नए सिरे से बोलना सीखा और उसके बाद जो हर शख्स यानी जो तमाम सेंसेस के साथ जो लोग मौजूद होते हैं उनके लिए भी वो सब कुछ अचीव करना आसान नहीं होता जो मिस हेलन केलर ने किया है। मिस हेलन केलर यकीनन एक अज़्म हिम्मत और जोश, एक अज़्म हिम्मत का एक निशान है हर एक के लिए, और जो नॉर्मल हैं और जो अपने आप को किसी वजह से समझते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे उनके लिए कि जब वो एक खातून जो कि बहुत सी सलाहियतों से महरूम हो गई थी, उन्होंने जब सब कुछ किया और कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जनाब इसकी रीडिंग कीजिएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। इसका वर्क इंशाल्लाह हम ईद के बाद करेंगे। विश यू ऑल आर वेरी हैप्पी ईद उल अज़हा, स्टे होम, से सेफ़, अल्लाह हाफिज़।